गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज को जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया एंड इंटरनल जेनाइटल एरिया, इन चीजों के बारे में क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, एक बार जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसको क्या है समराइज कर लेते हैं। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में किस चीज पे डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और अपना जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। The ability to reproduce in one of the properties which living from non-living matter. The ability to reproduce the is one on one of the properties which distinguish living from non-living matter. का मीन्स क्या है, प्रजनन करने की जो क्षमता है वो क्या है, एक संपत्ति में से एक है जो निर्जीव पदार्थ में से जीवित रहने को अलग करती है, यानी कि द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वह एबिलिटी जो रिप्रोड्यूस करती है वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज है व्हिच डिस्टिंग्विश अलग होना लिविंग फ्रॉम, रहना लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी कि जो निर्जीव पदार्थ है उनसे। द मोर प्रिमिटिव द एनिमल्स द सिंपलर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एनिमल जितने अधिक प्रिमिटिव होते हैं उनमें उतनी ही आपकी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उतनी ही इजी होती है, यानी कि वो सिंपल होती है। एनिमल्स जो हैं वो जितने अधिक प्रिमिटिव रहते हैं उनमें उतनी ही जो अपने रिप्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो उतनी ही सिंपल होती है। इन ह्यूमन बीइंग The process is one of sexual reproduction in which the male and female organ differ anatomically and physiology. In human being के अंदर the process in one of sexual reproduction in which the male and female organ different anatomically and physiologically. Human body के अंदर जो अपने reproduction की जो process है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो male और female जो organs है वो क्या है, anatomically और physiologically दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल कॉल्ड गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड क्या है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म्स क्या है, प्रोड्यूस करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, युग्मक बोलते हैं या गैमेट बोलते हैं। द मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, जो मेल जो है उनके जो गैमेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, जो फीमेल है उनको क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, उनको ओवम बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल और जीन्स ऑन क्रोमोसोम विच पास इनहेरिटेड लेटर्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या होते हैं, उन गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है, पास होते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस इज वन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफर एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, जो मेल और फीमेल के जो ऑर्गन है वो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजिकली और फंक्शन में दोनों में क्या है,
विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं। जो बोथ मेल्स एंड फीमेल प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव जर्म सेल, जो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या रिप्रोडक्टिव जर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल के जो जर्म प्रोड्यूस करते हैं उनको अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। जो फीमेल जो जर्म सेल प्रोड्यूस करती है उसको अपन बोलते हैं ओवा बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीन्स ऑन क्रोमोसोम व्हिच पास इनहेरिटेड कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो मटेरियल है, जीन्स है, ये क्या है, अपनी जो एक जनरेशन है उनसे क्या है, दूसरी जनरेशन के अंदर क्या है, पास होते हैं। In other body cells that are 46 chromosomes arranged in 23 pairs, but in gametes there are only 23 one of each pair. जो अपने chromosomes हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं और 23 pair के अंदर क्या है, arrange रहते हैं। But जो gametes हैं वो क्या 23 होते हैं और one from each pair, और अपने जो एक pair के अंदर प्रत्येक pair के अंदर क्या है वो present रहते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, जो गैमेट्स हैं उनसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्मेटोजोन द रिजल्ट जायगोट कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। जब ओवम फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा, स्पर्मेटोजोन के द्वारा, रिजल्ट क्या आता है उसमें, जायगोट कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर क्या है वहां पे क्रोमोसोम्स के बनते हैं, वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन ऑफ फ्रॉम द मदर। उनमें से क्या है, एक पेयर जो है वो क्या है, मदर से लिया जाता है और जो दूसरा है वो किसका होता है, फादर का होता है। द जायगोट एम्बेड्स इटसेल्फ इन वॉल ऑफ यूट्रस वेयर इज ग्रो एंड डेवलप ड्यूरिंग द 40 वीक गेस्टेशनल पीरियड बिफोर बर्थ। जायगोट है वो क्या है, जो अपनी यूट्रस की वॉल है वहां पे क्या अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, कब तक, 40 जो उसके वीक है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले के जो 40 वीक्स है वो उस टाइम पे अपने यहाँ पे वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो अपन इसको रिवाइज करते हैं, इन अदर बॉडी सेल दे आर 46 क्रोमोसोम्स अरेंज इन 23 पेयर। जो अपने 46 क्रोमोसोम्स है वो क्या है, 23 पेयर के अंदर क्या है, अरेंज होते हैं और इनके अंदर, बट किंतु इन द गैमेट्स देयर आर ओनली 23 वन फ्रॉम ईच पेयर। ये जो है 23 होते हैं गैमेट्स और ये जो अपनी प्रत्येक पेयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स आर फॉर्म बाय मियोसिस, जो गैमेट्स हैं वो किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। व्हेन द ओम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्मेटोजोआ द रिजल्ट द जायगोट कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वन ऑफ ईच पेयर ऑब्टेन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। जब अपना ओवम जो है वो फर्टिलाइज होता है किसके द्वारा, स्पर्मेटोजोन्स के द्वारा, उस टाइम पे क्या होता है, 23 पेयर जो है क्रोमोसोम के बनते हैं, उनमें से जो एक पेयर है वो कहां से जनरेट होता है, मदर से, और दूसरा किससे ऑब्टेन होता है, फादर से। द जायगोट एम्बेड्स इटसेल्फ इन द वॉल ऑफ द यूट्रस वेयर इज ग्रो एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 40 वीक गेस्टेशनल पीरियड बिफोर बर्थ। जो जायगोट है वो एम्बेड होते हैं कहां पे, अपने जो यूट्रस की वॉल है वहां पे, और वो 40 वीक जो है वहां पे क्या अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है जन्म से पहले। नेक्स्ट अपना पॉइंट है फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट्स हैं जो उनकी क्या फॉर्मेशन होती है,
जब फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म से उनकी क्या है फॉर्मेशन होती है, रिसेप्शन ऑफ मेल गैमेट्स, जो रिसेप्शन है यहाँ पे क्या है रिसीव होते हैं, क्या मेल के जो स्पर्मेटो जो है वो क्या है यहाँ पे रिसीव होते हैं। प्रोविजन ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्मेटोजोआ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फेटस क्या है यहाँ पे, जो सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है किसको फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ पे क्या है वो स्पर्मेटोजोआ और ओवम दोनों के दोनों क्या है फेटस का डेवलपमेंट करते हैं। पास्टुरेशन चाइल्ड बर्थ लैक्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विच प्रोवाइड्स कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी इन द अर्ली लाइफ, और क्या है यहाँ पे जो आपका बेबी है उसको क्या है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है प्रॉपर मात्रा में मिलते हैं। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है फॉर्मेशन करता है किसकी, जो अपनी जर्म सेल है जो गैमेट्स हैं वो है उनकी क्या है फॉर्मेशन करता है, रिसेप्शन रिसीव करता है, जो मेल गैमेट्स हैं स्पर्मेटोजोआ उनको क्या है यहाँ पे रिसीव करता है। प्रोविजन ऑफ सुटेबल एनवायरनमेंट, जो उसको जो सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए किसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रोवाइड कराता है। फेटस का डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, लैक्टेशन यानी कि उसको जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे जो क्या करता है अपना बेबी को जो है वो उसकी नीड फुलफिल करता है। नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है उनका क्या है प्रोडक्शन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टू द फीमेल, जो फीमेल है उसके अंदर क्या है ट्रांसमिशन करता है किसको स्पर्मेटोजोआ को। अपना क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको क्या है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों के अंदर क्या है डिवाइड किया गया है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जेनेटली आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन, दो भागों में डिवाइड किया है एक्सटर्नल ऑर्गन में और इंटरनल ऑर्गन में। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं और अपने इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ब्रेस्ट है, ओवरी है, यूटेराइन ट्यूब है, यूरेटर है और अपने जो वजाइना है, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। उनकी पोजीशन दिखाई गई है कौन सी
कहाँ कहाँ पे कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड रहते हैं। नेक्स्ट अपना है एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटल आर नोन एज कलेक्टिव एज द वल्वा। उसको अपन क्या बोलते हैं, वल्वा अपन इसको बोलते हैं। जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है उसको कलेक्टिवली रूप से अपन क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। ये बनता किस किस से है, कंसिस्ट ऑफ लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफेस, इनसे क्या है ये मिलके बना होता है, वेस्टिबल, हाइमेन, वेस्टिबल ग्लैंड्स, इनके द्वारा क्या है ये मिलके बना होता है। जो अपना एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रूप से अपन उसको वल्वा बोलते हैं। और इसके अंदर कौन से किस किस से मिलके बनता है ये, अपना लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस, वेजाइनल ओरिफेस, वेस्टिबल्स, हाइमेन और वेस्टिबल ग्लैंड्स, इनसे क्या है ये अपना जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है ये मिलके बना होता है। और अपन क्या है इनके सबके बारे में, एक एक के बारे में क्या है ट्रिप से भी डिस्कस करेंगे। ये क्या है अपना एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के क्या है डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है सारी की सारी जो चीजें थी अपनी कौन सी, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये क्या है लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा दिखाई देगी इसके अंदर, एनस दिखाया गया है, हाइमिन दिखाया गया है, ओपनिंग ऑफ द ग्रेटर वेस्कुलर ग्लैंड दिखाई गई है, वेजाइनल डायलेटेड पार्ट दिखाए गए हैं, यूरेट्रल ओरिफेस दिखाई गई है, क्लाइटोरियस है और मेंस प्यूबिस है। ये सारे के सारे क्या है इसमें डायग्राम में अपने को दिखाई गई है। नेक्स्ट क्या है लिबिया मेजोरा। लिबिया मेजोरा क्या है, लिबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं, दीज आर द टू लार्ज फोल्ड्स, ये क्या है दो लार्ज फोल्ड होते हैं विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। और ये क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, यहाँ पे वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड द फैट एंड द कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड। यहाँ पे किससे बनती है, कंपोज ऑफ स्किन से बनती है, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फैट होती है और लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड यहाँ पे क्या है प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली द फोल्ड्स जॉइन इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंटीरियरली जो है वो जो फोल्ड है वो किसको कनेक्ट करते हैं, फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या है वो जॉइन करते हैं या कनेक्टेड रहते हैं। द पोस्टीरियरली द मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, पूछे के बाद से कहां से जुड़ते हैं, पोस्टीरियरली मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम से क्या है ये जुड़े हुए रहते हैं। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मंस पुबिस एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लिबिया मेजोरा।
प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हेयर फोलिकल्स है वो ग्रोथ करते हैं, और कब ये कहाँ पे जो मेंस पुबिस यहाँ पे क्या हेयर फोलिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। लेबिया मेजोरा क्या है, दो लार्ज फोल्ड होते हैं विच फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द वल्वा, ये क्या बनाते हैं, वल्वा पे बाउंड्री बनाते हैं। दे आर कंपोज ऑफ स्किन फाइबर्स टिश्यू एंड फैट एंड कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड, ये किससे बनते हैं, कंपोज ऑफ द फाइबर्स टिश्यू होते हैं एंड फैट होती है, और जो लार्ज नंबर में क्या है यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। एंटीरियरली की बात करें तो एंटीरियरली द फोल्ड जॉइन इन फ्रंट ऑफ द सिंफाइसिस प्यूबिस, एंटीरियरली क्या है ये फोल्ड है वो कहाँ किससे कनेक्ट होते हैं, सिंफाइसिस प्यूबिस से कनेक्ट होते हैं। पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली दे मर्ज विद द स्किन ऑफ द पेरिनियम, पिछले भाग से क्या है ये मर्ज होते हैं कहाँ पे, पेरिनियम में। एट प्यूबर्टी हेयर ग्रो ऑन द मेंस प्यूबिस, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है हेयर ग्रो होते हैं कहाँ पे, मेंस प्यूबिस पे एंड ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द लेबिया मेजोरा, और जो लेटरल सरफेस है स्किन लेबिया मेजोरा की वहां पे क्या हेयर फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द लेबिया मेजोरा, ये क्या है दो स्मॉल फोल्ड होते हैं किसकी, स्किन की कहां पे प्रेजेंट होती है बिटवीन द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के बीच में क्या है ये सिचुएटेड होती है, कंटेनिंग न्यूमेरियस सीबेसियस ग्लैंड, और किससे जुड़ती है यहाँ पे बहुत सारी क्या है सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द लिबियम इज द वेस्टिबल्स, द वेजाइना यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टिबुल, और यहाँ पे जो क्या है वेजाइना यूरेथ्रा और जो डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुल्स ग्लैंड है वो क्या है ओपन होती है। दीज जो लेबिया माइनोरा है वो क्या है, दीज आर टू स्मॉलर फोल्ड ऑफ स्किन, ये क्या है दो छोटे छोटे क्या है स्मॉल फोल्ड होते हैं किसके स्किन के बिटवीन द लेबिया मेजोरा, कहाँ पे होते हैं लेबिया मेजोरा में, कंटेनिंग न्यूमेरियस सीबेसियस ग्लैंड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है सीबेसियस ग्लैंड होती है। द क्लेफ्ट बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज वेस्टिबुल, जो क्लेफ्ट होता है बीच में इनके किसको क्या बोलते हैं वेस्टिबुल्स होता है, द वेजाइना यूरेथ्रा एंड डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुल्स ग्लैंड ओपन इनटू द वेस्टिबुल्स। नेक्स्ट क्या है अपनी क्लाइटोरियस, क्लाइटोरियस क्या है, द क्लाइटोरियस कोरिस्पोंड्स टू द पेनिस इन द मेल एंड कंसर्न सेंसरी नर्व एंडिंग द इरिटेटेड टिश्यू बट इज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस, द क्लाइटोरियस कोरिस्पॉन्ड टू द पेनिस इन द मेल एंड कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग एंड टिश्यू बट इज नो रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्या है अपनी हाइमिन, हाइमिन क्या है, द हाइमिन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच पार्शियली द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, इट इज नॉर्मली द हाइमिन इज ए थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइमिन क्या है थिन लेयर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन की, द पार्शियली ऑक्यूज्ड द ओपनिंग ऑफ द वजाइना, इट इज नॉर्मली इनकम्प्लीटेड टू द अलाउ द पासेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो।
ग्लैंड्स, जिनको क्या बोलते हैं, बैथलेन ग्लैंड्स बोलते हैं, आर सिचुएटेड ऑन वन ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग। और ये कहां पे प्रेजेंट होती हैं? ओपनिंग ओपनिंग नियर द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल की ओपनिंग है वहां पे क्या है, ये प्रेजेंट होती हैं। दे आर अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पी एंड हैव डक्ट। ये क्या है, बीच के आकार की होती हैं और ये डक्ट प्रेजेंट होती हैं। ओपनिंग इनटू द वेस्टिबल्स इमीडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइलम। और ये ओपनिंग का आपको कहां पे होती है, डक्ट वेस्टिबल्स इमीडिएटली रिलेटेड टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइलम। द सीक्रेट मीटर स्टेप टू वल्वा वॉइड। और ये क्या सीक्रेट करती हैं, मॉइस्चर सीक्रेट करती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, ब्लड सप्लाई, यानी कि जो अपने ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो जब भी ब्लड सप्लाई होती है तो ब्लड सप्लाई का क्या होता है, एक तो आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है और एक क्या होता है, वीनस ड्रेनेज होता है। तो जो अपनी आर्टरियल सप्लाई है वो कौन करती है, द आर्टरियल सप्लाई इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द इंटरनल पुडेडियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी एंड बाई एक्सटर्नल पुडेडियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द फ्यूमरल आर्टरी। जो आर्टरियल सप्लाई है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो कौन सप्लाई करता है, दिस इज बाई ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल पुडेडियल आर्टरी। इंटरनल पुडेडियल आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। दैट ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। एंड बाई एक्सटर्नल पुडेडियल आर्टरी, और कौन करती है, एक्सटर्नल पुडेडियल आर्टरी दैट ब्रांच फ्रॉम द फ्यूमरल आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच होती है, फ्यूमरल आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। नेक्स्ट अपना है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मतलब क्या है, जो आपने ब्लड सप्लाई की उसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो रिटर्न लेके कौन आ रहा है, जो रिटर्न लेके आता है वो किसके थ्रू होता है, लार्ज प्लेक्सिस के द्वारा क्या होता है, वो ड्रेन होता है। और किसके द्वारा होता है, जो अपनी इंटरनल इलियक वेन है वहां पे क्या है, वो अपना वीनस ड्रेनेज होता है। तो आर्टरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो आर्टरियल सप्लाई कौन करता है, इंटरनल पुडेडियल आर्टरी जो है वो क्या करेगी, आर्टरियल ब्लड सप्लाई करेगी। और जो इंटरनल पुडेडियल आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है, ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, वीनस ड्रेनेज होता है अपना यहाँ पे जो अपना इंटरनल इलियक जो वेन है वहां पे क्या है, ये अपना वीनस ड्रेनेज होता है। नेक्स्ट अपना आता है लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, जो अपने लिम्फ वेसल्स है वहां पे लिम्फ ड्रेनेज कौन सी वेसल्स करती है और नर्व सप्लाई कौन करता है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो दिस इज थ्रू द सुपरफिशियल इन्वेलल नोड्स, जो अपने सुपरफिशियल इन्वेलल नोड्स हैं उनके द्वारा क्या है, यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। देन आफ्टर क्या आता है अपना नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन करता है, जो पुडेडियल नर्व जो है वो क्या करती है, यहाँ पे नर्व सप्लाई करती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लिम्फ कौन करता है, जो अपनी सुपरफिशियल इन्वेलेबल नोड्स हैं वो क्या करती हैं, लिम्फ ड्रेनेज करती हैं। और नर्व सप्लाई जो है वो कौन करती है, जो अपनी पुडेडियल नर्व जो है वो क्या करती है, नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट अपना है पेरिनियम। पेरिनियम क्या होता है, द पेरिनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया मैनरा टू द एनल कैनाल। पेरिनियम क्या है, पेरिनोरियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया मैनरा टू द एनल कैनाल। इट इज रफली ट्राइंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मसल्स एंड फैट। ये क्या है, रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है, बनता किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, और जो अपनी मसल्स और फैट है उनसे क्या है, ये बनता है। द पेरिटोनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ लिबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। इट इज द रफली ट्राइंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
मसल्स एंड फैट। ये जो बनता किससे है अपना कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और जो फैट है उनसे क्या है ये बनती है। इट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है पेरिनियम क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। कहाँ पे, अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, जो अपने पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है उनको क्या है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो पेरिनोनियम क्या है, पेरिनोनियम इज द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लिबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल। बेस है कहां से, किसका, लिबिया माइनोरा का, कहां तक, टू द एनल कैनाल तक। और इसका जो शेप है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है। बनता किससे है, कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, मसल्स और फैट से बनता है। अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को क्या है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, इंटरनल जेनाइटल। इंटरनल जेनाइटल की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं। द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइज इन द पेल्विस कैविटी एंड जो अपना इंटरनल जो जेनाइटल एरिया है वो किससे बनता है, ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है उनसे क्या है अपना इंटरनल और जो है जेनाइटल एरिया बनता है। और ये कहाँ पे होती हैं, लाइज इन द पेल्विक केविटी। और जो पेल्विक केविटी का जो पार्ट है वहाँ के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सब मिलकर क्या बनाते हैं अपना इंटरनल जेनाइटल एरिया बनाते हैं। इंटरनल जेनाइटल एरिया बनता किससे है, सबसे पहला ऑर्गन अपना है इसके अंदर होता है वेजाइना, देन आफ्टर अपना होता है यूट्रस, देन आफ्टर अपना क्या होता है दो यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं और दो ओवरीज होती हैं। इनसे क्या है अपना इंटरनल जेनाइटल एरिया बनता है। जो इंटरनल जेनाइटल जो है ऑर्गन्स हैं वो किससे बनते हैं, जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन है कहाँ के, पेल्विक कैविटी के, उनसे क्या है अपना इंटरनल जेनाइटल एरिया बनता है। इसके अंदर जो ऑर्गन है वो कौन से होते हैं, वेजाइना होती है, यूट्रस होता है, दो यूट्राइन ट्यूब्स होते हैं और टू क्या दो इसके अंदर क्या है ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन जो सिस्टम है उसके जो पेल्विस जो पार्ट है उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है इस डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। ब्रॉड लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट है, स्थमस है, फंडस ऑफ द यूट्रस है, इंटरस्टिशियल पार्ट है किसके, यूट्राइन ट्यूब के, यूट्राइन ट्यूब है, एम्पुला है, बॉडी ऑफ यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइनल शोइंग दिखाई गई है, ओवरी दिखाई गई है, एक्सटर्नल ओरिफिस दिखाए गए हैं किसके, सर्विक्स के। तो ये क्या है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, इनके बारे में दिखाया गया है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपने जो पेल्विस जो पार्ट है वहां पे क्या है वो प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर अपना दिखाया गया इसके अंदर लेटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द पेल्विस एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। जो लेटरल व्यू है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, वो इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। सेक्रम दिखाया गया है, पेरिटोनियम है, यूट्राइन ट्यूब है, ओवरी है, यूट्रस है, वेस्टर्न पाउच है, एंटीरियर फ्लॉक्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, प्यूबिक बोन है, क्लाइटोरिस दिखाई गई है, लिबियम माइनोरा दिखाई गई है, मेजोरा दिखाई गई है, वेजाइना दिखाई गई है, इसमें रेक्टम प्रेजेंट है, सर्विक्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर फोरिजन ऑफ द वेजाइना दिखाई गई है, पाउच ऑफ डोगल्स दिखाए गए हैं और सेक्रम इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट अपनी क्या है,
जो वेजाइना है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो वेजाइना क्या है? वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। वेजाइना क्या है? वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। वेजाइना क्या होती है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, लाइन विथ सर्टिफाइड स्क्यूमुलस एपिथीलियम कनेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन। और क्या है? लाइन होती है किसकी? स्टेफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम की लाइनिंग होती है। इसमें कनेक्ट किसको करती है? कनेक्टिंग किससे होती है? अपनी एक्सटर्नल और जो अपने इंटरनल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनसे क्या है ये कनेक्टेड होती है। इट रन ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 बिटवीन द ब्लेडर इन फ्रंट एंड रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। इट रफ ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री बिटवीन द ब्लेडर इन फ्रंट इन रेक्टम एंड एनस बिहाइंड। इन द एडल्ट द एंटीरियर वॉल इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। एडल्ट के अंदर जो है वो एंटीरियर वॉल की साइज कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंच लॉन्ग, एंड द पोस्टीरियर वॉल अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अपनी जो एंटीरियर वॉल है एडल्ट के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और पोस्टीरियर में कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। द डिफरेंस इज ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसर्जन ऑफ द सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वॉल। द डिफरेंस इज ड्यू टू एंगल ऑफ इंसर्जन ऑफ द सर्विक्स थ्रू द एंटीरियर वॉल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसी होती है वजह की? स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ एल्वियर टिश्यू। आउटर कवरिंग वो किसकी होती है? एल्वियर टिश्यू की। ए मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। मिडिल लेयर किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की। एंड जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम की होती है। तो जो 3 लेयर होती है वो कैसे कैसे होती है? आउटर कवरिंग जो है वो किसकी होती है? एल्वियर टिश्यू की। मिडिल लेयर जो है वो किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की। और जो इनर लाइनिंग है वो किसकी होती है? सर्टिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम की होती है। इट हैज नो सेक्रेटरी ग्लैंड बट द सर्फेस इज केप्ट मोस्ट बाय सर्वाइकल सिक्रेशन। यहाँ पे कोई भी सेक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, किंतु यहाँ पे जो है वो सर्विक्स सर्वाइकल सिक्रेशन के कारण से क्या है यहाँ पे मोस्ट होती है। बिटवीन प्यूबर्टी एंड द मेनोपोज लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया आर नॉर्मली प्रेजेंट। प्यूबर्टी के अंदर क्या है? यहाँ पे मेनोपोज की जो कंडीशन है वहाँ पे लैक्टोबेसिलाई और एसिडोफिलस बैक्टीरिया वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। विथ सीक्रेट लैक्टिक एसिड, वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। और क्या करते हैं? पीएच मेंटेन करते हैं। कितना पीएच मेंटेन करते हैं? 4.9 से लेके 3.5 तक का जो पीएच है उसको क्या है ये मेंटेन करते हैं। द एसिडिटी इन वाट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट अदर माइक्रोब दैट में एंटर द वेजेना फ्रॉम द पेरिनियम। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। जो आर्टेरियल सप्लाई है वो कौन करता है? आर्टेरियल सप्लाई जो है वो आर्टेरियल प्लेक्सिस के द्वारा होती है राउंड द वेजाइना डिराइव फ्रॉम द यूट्राइन एंड वेजाइनल आर्टरी। किसके? वेजाइनल आर्टरी जो है वो क्या करती है यहाँ पे वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है, जो किसकी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। देन आफ्टर वीनस ड्रेनेज कौन करता है? जो अपनी इंटरनल इलियक जो वेन है वो क्या करती है यहाँ पे? वीनस ड्रेनेज करती है। तो ब्लड सप्लाई कौन करता है? वेजिनल आर्टरी के द्वारा होता है, और ये किसकी ब्रांच होती है? अपनी इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है? वीनस ड्रेनेज जो है वो कौन करता है? जो अपनी इंटरनल इलियक वेन है वो क्या करती है यहाँ पे? वीनस ड्रेनेज करती है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कौन करता है? जो अपनी सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड जो है वो क्या करती है? लिम्फ ड्रेनेज करती है। और जो नर्व सप्लाई है वो क्या होती है? पैरासिंपेथेटिक फाइबर के द्वारा होती है। फ्रॉम द सेक्रल फ्लो सिंपेथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो एंड सोमेटिक सेंसरी फाइबर द पुडेडियन नर्व। जो अपने पुडेडियन नर्व है वो क्या करती है यहाँ पे? नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ द वेजाइना। थैंक्स टू ऑल।